दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करें आईपीओस की, देखेंगे आज मुफ्ती मेंस वेयर के अंदर लाइव अलॉटमेंट स्टेटस क्या है, यानी अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे, अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके और सर डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करके चेक कर सकते हैं कि लाइव अलॉटमेंट स्टेटस क्या है। और उसके बाद अगर अलॉटमेंट मिल गया, अगर नहीं मिला तो उसके बाद क्या करना चाहिए, यानी लिस्टिंग गेन किस तरह लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग गेन किस तरह लेना चाहिए, यह सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते चलो। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करें मुफ्ती मेंस वेयर लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में। फिलहाल देखा जाए ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे, कौन सी वेबसाइट पर चेक करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं इसके अंदर कितना चांसेस रहेगा अलॉटमेंट मिलने का। बात करेंगे क्यू आई बीस यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के जरिए करीब करीब 105 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और अमाउंट भी 11,540 करोड़ तक का इस आईपीओ के अंदर अमाउंट भी लग चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के जरिए 55-56 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आया और अमाउंट भी 4,578 करोड़ तक का अमाउंट भी देखने को मिला। जो अबव 10 लाख थे, जो बिलो 10 लाख थे, वो भी करीब करीब 55 टाइम ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। बात करेंगे इस आईपीओ में रिटेल की, मेन मसला रिटेल का रहता है। रिटेल आजकल ज़्यादातर एसएमई आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। फिलहाल इसके अंदर देखा जाए तो रिटेल का खास रुझान दिखा नहीं, करीब करीब 20 टाइम ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, यानी कह सकते हैं 20 में से किसी एक को ही आईपीओ मिलेगा। अगर रेशो निकाल के देखा जाए तो 20 में से किसी एक को ही मिलेगा, यानी 20:1 का रेशो देखने को मिल रहा है। और अमाउंट भी करीब करीब 3,837 करोड़ तक का अमाउंट देखने को मिला। ओवरऑल अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 51-52 टाइम ही आईपीओ फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हुआ और अमाउंट भी 19,955 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी लगता हुआ देखने को मिला ओवरऑल टोटल सब्सक्रिप्शन। और बात करेंगे डे बाई डे की, तो फर्स्ट डे देखा जाए 2 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। सेकंड डे इसके अंदर मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन लो और ये आईपीओ भी अच्छा पैसा बना के देगा। सेकंड डे 7 टाइम सब्सक्रिप्शन आया और थर्ड डे कल इस आईपीओ का आखिरी दिन था और कल देखा जाए तो करीब करीब 51-52 टाइम तक का फुली वर्स सब्सक्राइब हो। चलो आईपीओ के और भी क्या डिटेल है और भी क्या अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कौन चैनल लाइक करें। मुफ्ती मेंस वेयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए तो जो शेयर इसके अंदर ऑफर हुए थे उसको समझ लेते हैं, इससे अंदाजा हुआ कितना चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एंकर इन्वेस्टर का जो पोर्शन था, एंकर इन्वेस्टर के जरिए जो पैसा आया, करीब करीब 30% तक का एंकर इन्वेस्टर के जरिए पहले ही पैसा आ गया। 550 करोड़ का ये आईपीओ था और उसका देखा जाए तो 30% पहले ही 165 करोड़ तक का अमाउंट एंकर इन्वेस्टर के जरिए आ गया था। और उसके बाद क्यू आई बी इसका 110 करोड़ अमाउंट रखा गया था, करीब करीब 20% एंकर इन्वेस्टर का, तो नहीं कह सकते हैं करीब करीब इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर और क्यू आई बी इसका 50% हो गया और बाकी बचा 50% एच नाइस का और रिटेल का था। फिलहाल देखा जाए तो 15% रखा गया था एच नाइस का, जो इसके अंदर भी जो 10 लाख अबव थे, जो 10 लाख बिलो थे, वो भी करीब करीब इसके अंदर 55 करोड़ और 27 करोड़ तक का अमाउंट रखा गया था। बात करेंगे रिटेल के, रिटेल का चांसेस ज़्यादा है इस रिटेल, क्योंकि रिटेल का पोर्शन इसमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। करीब करीब 35% तक का इसके अंदर रिटेल का रखा गया था, जिसके अंदर रिटेल के अंदर करीब करीब 192-193 करोड़ का अमाउंट, ये कह सकते सबसे ज़्यादा रिटेल का ही अमाउंट इसमें देखने को मिल रहा है और सबसे कम पोर्शन रिटेल का ही भर रहा है, यानी 20 में से किसी एक को ही मिलेगा। मिल सकता है, मैंने अप्लाई किया, हो सकता है मुझे भी मिल सके, आपने भी अप्लाई किया हो तो आपको भी इसके अंदर मिल सकता है। फिलहाल चलो देखते हैं आईपीओ के और भी क्या अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेते हैं। मुफ्ती मेंस वेयर आईपीओ के टाइम टेबल के शेड्यूल के बारे में फिलहाल देखा जाए तो ये आईपीओ जैसे मैंने बताया 19 तारीख को आया था, 21 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो गया। उसके बाद मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की, आज इसका अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके माध्यम से भी चेक कर सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर विजिट करके भी चेक कर सकते हैं। कल के डेट में मंडे के दिन ये रिफंड हो जाएगा, मंडे को बंद है, ट्यूसडे को रिफंड होगा और उसका मेन डेट आती है इसकी लिस्टिंग की, तो हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा 27 तारीख को, ये हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए, लिस्टिंग के दिन क्या स्ट्रेटजी रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल सके, इसके लिए वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल बात करते हैं मुफ्ती मेंस वेयर में आईपीओ में प्रमोटर की होल्डिंग, जैसे मैंने बताया था इसके अंदर 66% आईपीओ के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग थी, अब करीब करीब 53.66% तक की इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर की। चलो आईपीओ के और भी क्या अपडेट है और डेट है वगैरह वो भी देख लेते हैं। बात कर रहे हैं मुफ्ती मेंस वेयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। आज इसका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक इन टाइम के वेबसाइट के ऊपर आना होगा, चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं और साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके माध्यम से भी चेक कर सकते और साथ साथ में डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल चेक करने का सिंपल तरीका पेन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और क्लाइंट आईडी के जरिए भी चेक कर सकते हैं। पेन नंबर अगर दिया हुआ है, यहाँ अपना पेन नंबर यहाँ मेंशन करेंगे तो यहाँ पे अगर आईपीओ आया हुआ है, अभी तो अपडेट नहीं हुआ है तो हो सकता है शाम तक अपडेट हो जाए, तो उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। अपना पेन नंबर इंटर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ और साथ साथ में सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिख कर आएगा अलॉटेड, अगर नहीं मिला है तो लिख कर आएगा नॉट अलॉटेड। इस तरह अपना आईपीओ
चेक कर सकते हैं, अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो। मुफ्ती मेंस वियर आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए तो ये आईपीओ आया, क्लोज भी हो गया। आज इसके अंदर क्या गिरे मार्केट प्रीम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। 19 तारीख को आईपीओ स्टार्ट हुआ था और 21 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो गया। आज 22 दिसंबर है, आज ये आईपीओ का अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो आईपीओ की जो प्राइस थी 280 रुपये का ये आईपीओ आया हुआ था और आज के डेट में करीब करीब 414 रुपये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ये कह सकते हैं, करीब करीब इसके अंदर 46-47% तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये कह सकते हैं 280 रुपये का ये आईपीओ है और 134 रुपये का इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त ये आईपीओ आया हुआ था और क्लोज भी हो गया। आज इसका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के बाद अगर लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते चलो।